टीवी पे हम कई बार डॉक्टर को बोलते सुनते हैं कि पेशेंट हैज गॉन इन टू कोमा। आयुर्वेदा में इसे संन्यास कहते हैं। सो वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, अ चैनल फॉर बेसिक डेंटल साइंसेज एंड बेसिक आयुर्वेदिक साइंसेज। आज का हमारा टॉपिक है कोमा मॉडर्न में और संन्यास जिसे आयुर्वेदा में कहते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है संन्यास। इसको हम मॉडर्न में कोमा से भी रिलेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम संन्यास का व्याधि परिचय, प्रमुख संदर्भ ग्रंथ, निदान, संप्राप्ति चक्र, संप्राप्ति घटक व इसके सामान्य लक्षण देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले संन्यास क्या है यह देखते हैं। तो संन्यास एक मूर्छा व्याधि की ही अगली अवस्था है। मूर्छा का अर्थ होता है फेंटिंग, मतलब जब बिल्कुल बेहोशी की हालत होती है। और दोस्तों मूर्छा की अगली अवस्था संन्यास होती है। संन्यास व्याधि में दोषों का अत्यधिक प्रकोप रहता है और उसकी वजह से रोगी के देह और मन में, मतलब शरीर और मन में जो चेतना है वो नष्ट हो जाती है, जो कॉन्शियसनेस है वो खत्म हो जाती है। रोगी बिल्कुल मृत समान रहता है और रोगी का शरीर लकड़ी जैसा हो जाता है। अब दोस्तों मद और मूर्छा जो और बीमारियां हैं संन्यास के अलावा बिल्कुल इसी की तरह रहती हैं, पर उनमें वेगावस्था जाने के बाद रोगी चेतनावस्था में आ जाता है। इसका अर्थ यह है कि मद और मूर्छा इन व्याधि में जो वेगावस्था है, मतलब कि अटैक जब आता है इन दोनों का, तो उसके जाने के बाद रोगी को चेतना आ जाती है, वापस चेतनावस्था में वो आ जाता है। इसका अर्थ है कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है रोगी को, वो होश में आता है। परंतु संन्यास व्याधि में ऐसा नहीं होता और संन्यास व्याधि में चेतनावस्था नहीं आती है। दोस्तों संन्यास व्याधि में इसीलिए चिकित्सा क्रम के बिना रोगी को चेतनावस्था नहीं आ सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि संन्यास का रेफरेंस क्या है हमारे जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसमें। पहला है चरक संहिता सूत्र स्थान के अध्याय 24 में और दूसरा है माधव निदान के अध्याय 7 में। तो इन दोनों ग्रंथ में संन्यास का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं संन्यास के निदान। तो दोस्तों जो मूर्छा व्याधि में वर्णित निदान है उन्हीं का ही अगर अधिक मात्रा में हम सेवन करते हैं तो संन्यास व्याधि की उत्पत्ति हो सकती है। अगर आप मूर्छा व्याधि के निदान देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वह वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं हम कि संन्यास व्याधि आखिर कैसे होती है एंड इसका संप्राप्ति चक्र क्या है। तो दोस्तों जब निदानों का हम अति सेवन करते हैं तो वात आदि तीनों शारीरिक दोष, मतलब कि वात, पित्त, कफ, तम दोष के साथ, जो कि एक मानसिक दोष है, उनके साथ प्रकोपित होकर जो दुर्बल और अल्प सत्व रोगी होते हैं उनके प्राण आयतनों में स्थान संचय कर लेता है। दोस्तों प्राण आयतनों का अर्थ है जहाँ पे प्राण रहते हैं और चरक के अनुसार 10 प्राण आयतन बताए गए हैं, जो कि 2 शंख प्रदेश, 3 मर्म स्थान, शिर हृदय बस्ती प्रदेश, कंठ रक्त, शुक्र ओज और गुदा, ये 10 प्राण आयतन कहे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रकोपित दोष हैं वह स्थान संचय कर देते हैं और उसके बाद वाणी, देह और मन की चेष्टाओं का नाश हो जाता है। जो वाणी है और जो शरीर है और जो मानसिक जो चेष्टाएं हैं, मतलब कि प्रवृत्तियां हैं, मूवमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, उनका नाश हो जाता है। उसके बाद देह और मन की चेतना का नाश होता है दोस्तों। तो चेतना का अर्थ है यहाँ पे कॉन्शियसनेस। तो उसके बाद जो शारीरिक और मानसिक कॉन्शियसनेस है वो नष्ट हो जाती है, जिससे रोगी अचेतन हो जाता है, मृत समान हो जाता है और काष्ठवत हो जाता है। इसका अर्थ है लकड़ी के समान हो जाता है और यही सब लक्षण संन्यास रोग को उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हम देखते हैं संन्यास रोग के संप्राप्ति घटक क्या है व उसके सामान्य लक्षण क्या हैं। संन्यास रोग के संप्राप्ति घटक, दोस्तों दोष यहाँ पे वात आदि शारीरिक दोष प्रकोपित होते हैं और मानसिक दोष यहाँ पे तम रहता है। दोस्तों संन्यास का दुष्य है रक्त, जबकि अधिष्ठान जैसे कि हमने पहले भी बताया था प्राणायतन रहते हैं।
श्रोतस जो दुष्ट होते हैं वो है रक्तवह, मनोवह एवं संज्ञावह। दोस्तों सामान्यतः है संन्यास को मनोवह स्रोतस की व्याधि माना जाता है। अगर आप मनोवह स्रोतस का परिचय चेकआउट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह जाके कर सकते हैं। दोस्तों संन्यास का स्रोत दूसरे प्रकार होता है संग, जबकि व्याधि स्वभाव है इसका आशुकारी। अब दोस्तों नेक्स्ट हम ऑन द राइट हैंड साइड देखते हैं कि संन्यास के सामान्य लक्षण क्या हैं। पहला है रोगी की वाणी, देह और मन की चेतना का नष्ट होना। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि वह ना बोल सकता है, ना ही कोई शारीरिक या मानसिक फंक्शन कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, एंड इसी को हम कॉन्शियसनेस का ख़त्म हो जाना बोलते हैं। सेकंड है रोगी मत्समान हो जाता है। थर्ड है रोगी काष्ठवत गिर पड़ता है, लकड़ी के समान गिर पड़ता है। फोर्थ है तुरंत चिकित्सा न करने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों यह था संन्यास रोग। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कॉमेंट बॉक्स में हमें ये बताना मत भूलिएगा कि आपको और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे वीडियो से समझने हैं।